आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सप्ताह की अगर बात करें, तमाम मुद्दे इस समय चर्चा में है, चाहे पेरागराफ घटना की बात करें, चाहे अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर विपक्ष के हमले की बात करें, और चाहे राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दिए बयान की बात करें। पर इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चर्चा विषय और है। वो चर्चा विषय है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में की। आज शुरुआत हो गई और कल भी ये बैठक लगातार जारी रहेगी, दो दिन की बैठक है। इस बैठक के माध्यम से यहाँ पर 24 की तैयारियों का खाका खींचा जा रहा है। तो कहीं एक बार भी महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार कांग्रेस से दूरी रहेगी। दूरी कारण क्या है ये किसी को नहीं पता, पर यहाँ पर विपक्ष जो एकजुट होकर बीजेपी के सामने चुनौती बनने का प्रयास कर रहा था, वहां विपक्ष में भी यहाँ पर दो धरे हो गए हैं। एक धरे की बात करें जो कांग्रेस के साथ बना जा सकता है, और दूसरा धरा जिसको अखिलेश यादव और ममता बनर्जी मिलकर बनाने जा रहे हैं, जिसमें KCR भी होगी, MK स्टालिन भी होंगे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी होंगे, ममता बनर्जी भी होगी, और हो सकता है RJD भी शामिल हो, या हो सकता है भविष्य में तमाम अन्य पार्टी भी शामिल हो। पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक, 24 का खांचा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह हमको यहाँ पर चुनाव लड़ना है, वो स्पष्ट करती है कि चुनौती बीजेपी के लिए इस बार कुछ बड़ी होने वाली है। विपक्ष यहाँ पर दो धरे में पड़ सकता है, एक महत्वपूर्ण बात, और अखिलेश यादव यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निर्वाह करते हुए यहाँ पर दूसरे मोर्चे की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और स्पष्ट उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस से हमारी दूरी रहेगी, जितनी दूरी बीजेपी से उतनी दूरी हमारी कांग्रेस से रहेगी। पर सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर रणनीति क्या होगी और व्यवस्थाएं क्या होगी और परिणाम 24 का क्या होगा, वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात स्पष्ट है कि जिस तरह हम देख रहे थे कि विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा, तो भाई मुझे लग रहा है कि शायद विपक्ष में भी अब यहाँ पर धरे बनने शुरू हो गए। फिलहाल महत्वपूर्ण बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमको किस तरह देखना है, हम चाहे किसी समुद्र के टापू पे जाके अपने राष्ट्रीय कार्य समिति करें, हमें क्या फर्क पड़ता है उसे, सपा से हमें कोई लेन देन नहीं, सपा वैसे भी समाजवादी पार्टी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि पश्चिम बंगाल में ही जाकर चर्चा क्यों की। तो अखिलेश यादव कहना था कि पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी तमाम तरह की उनकी बैठकें हुई हैं, तमाम कार्यक्रम हुए हैं, और जब पश्चिम बंगाल में पहुंच कर कोई निर्णय लिया जाता है, कोई रणनीति बनाई जाती है, तो उसके परिणाम हमेशा सुखद आते हैं, और इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हो रही है। और कल भी जब ममता बनर्जी जो कि TMC प्रमुख है और बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई थी, वहाँ पर भी जो चेहरे पर हंसी थी वो स्पष्ट कर रही थी कि रणनीति इस बार मजबूत है, और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम बड़े नाम मिलकर यहाँ पर कुछ अलग बेहतर करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण चर्चा से मेहमान जो प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपने पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से RF हबीब परिवार रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी भाई अपनी राय देंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा नेता सपा से रहेगा, अरे भाई कैसे देखते हैं बैठक करने जा रहा है, पर बैठक के पहले यहाँ पर एक प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि बैठक में अधिकांश जो पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है पर जरूरत से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के, खैर बड़ा सूबा है, बड़ा राज्य है, और समाजवादी पार्टी का आधार भी रहा है, उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुए हैं। पर इसके अलावा अगर कांग्रेस से इनके अलगाव की बात करें कि कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में होकर आई थी, गाजियाबाद, शामली, बागपत में, तब भी राहुल गांधी के पत्र पर केवल शुभकामनाएं और संवेदनाएं भेजी थी, मिलने नहीं गए। तो क्या मानते हैं जो पुराना गठबंधन हुआ था उससे अलग और यहां पर एक अलग मोर्चे की तैयारी फिलहाल होती नजर आ रही, कैसे देखते हैं? जी देखिए, राजनीति में नए नए प्रयोग होते रहते। अच्छा, बड़ा सूबा है, बड़ा देश है, और अपने रीजन को प्राप्त करने के लिए पार्टी चिंतन और मनन करती। कांग्रेस पार्टी से दूरी का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले ले लिया। अच्छा, अभी 2022 के विधानसभा में भी जी कांग्रेस पार्टी के बिना चुनाव लड़े जी, और
तक सर्वाधिक 37% के उत्तर वोट प्रतिशत हमारा है जी। वहीं अगर आप 2017 में जाएंगे जी, हमारा वोट प्रतिशत पहले से भी गिर गया था कांग्रेस पार्टी के साथ। आपकी आवाज बड़ी रुक रुक के आ रही है, स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही है, इसको ठीक किया जाए। अरे भाभी आपका भी साउंड बहुत कमजोर आ रहा है मेरे पास जी। ठीक कराया जाए, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल का मुद्दा है जी, किससे गठबंधन करना है किससे नहीं करना है जी, क्योंकि राष्ट्रीय कार्य समिति और हमारे अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी दल हित में और जो भी सोचेंगे वो उनका नए सम्मान होगा जी। अरे भाभी आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं आ पा रही, ठीक है, स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही आपकी। अरे भाभी ठीक है ठीक है ठीक है। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव कैसे देखते हैं यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर चर्चाएं हो रही है, बैठक हो रही है, एक अलग मोर्चे की तैयारी है, एमके स्टालिन भी, केसीआर भी, तृणमूल कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी, और ना जाने कितने नाम और भी आ सकती है, पार्टी आ सकती है। चुनौती आपके लिए बड़ी यहाँ पर होने वाली है, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, जी भारतीय जनता पार्टी इस तरह के गठबंधनों को चुनौती नहीं मानती। अच्छा, हम बार बार कहते रहे हैं जी कि विपक्षी एकता एक छलावा है, ये जनता को छलने के लिए एक होने की कोशिश करते हैं, ना एक हो पाते हैं जी, ना कभी एक रहते हैं जी। मेरी इस बात को समझना हो तो आप बिहार विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक को, बीजेडी जनता दल यू के विधायक की बात को ध्यान दीजिएगा, जिसने कहा था समाजवादी कभी 6 महीने साथ रह नहीं पाते और साल भर से ज़्यादा अलग रह नहीं पाते, इनका मिलना जुलना बिछड़ना इन लोगों में लगा रहता है। अच्छा, तो उसी तारतम्य में देख लीजिए, कांग्रेस पूरा दम लगा करके राहुल गांधी को नेता बनाना चाहती है और बताना चाहती कि राहुल गांधी अब काबिल हो गए हैं। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष की स्थिति यह है कि जैसे वो कार्यालय की चपरासी हो। ये कौन सी बात हुई भाई? खुद कहते हैं वो लोग कि उनको पार्टी चलाने के लिए रखा गया है। अच्छा, सलमान खुर्शीद वगैरह का बयान है, मेरा बयान नहीं है। अच्छा, वो खुद कहते हैं पार्टी चलाने के लिए रखा गया। किनको रखा गया? खड़गे जी को। अच्छा, तो खड़गे साहब की स्थिति वहाँ पे है जैसे कि उनको कोई कर्मचारी के रूप में रखा गया हो। अच्छा, और नेता सबके राहुल गांधी है। अच्छा, और पूरी कांग्रेस लगी है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता हो जाए, राहुल गांधी को लोग नेता माने जी। दुर्भाग्य है कि विपक्ष के जो छत्रप हैं किसी को राहुल गांधी समझ में नहीं आते। ठीक, राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव दो लड़कों का साथ नारा दे करके देख चुके हैं, यही लखनऊ में बिजली तार पकड़ के घूम रहे थे। अच्छा, करंट लग गया, पूरी पार्टी चली गई। अच्छा, चुनाव कुछ मिला नहीं जी। तो कांग्रेस के साथ का परिणाम अखिलेश यादव जी भोग चुके हैं। ठीक, बुआ के साथ किए, बुआ चुनाव बाद फिर छोड़ के चली गई। तो ये सब विपक्ष में चलता रहता है जी। विपक्षी एकता एक छलावा है, ये देश को लूटने के लिए, देश को खोखला करने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। जहाँ भी उस बंदरबाट में कुछ कमी ज़्यादा होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप पत्ता लग रूप करके ये गठबंधन तोड़ देते हैं। अच्छा, देश ऐसे अस्थिर राजनीतिक दलों के साथ चलने में असहज है जी। देश को मजबूत सरकार चाहिए जी, मजबूत नेतृत्व चाहिए, दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए मजबूत नेता चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जी में है। ठीक, नरेंद्र मोदी जी आज देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जो मेन मुद्दा उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव का शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ पर कार्यकारिणी बैठक हो रही है, देखिए 24 का यहाँ पर खाका खींचा जा रहा है, चिंता नहीं आपको? देखिए देखिए गौरव जी, अखिलेश यादव जी के घर की पार्टी है। अच्छा, वो वहाँ कलकत्ता में बैठक करें, सबको लेके लंदन चले जाए, जैसे छुट्टी उट्टी मनाने चले जाते हैं लंदन। अच्छा, ये तो देशाटन वाला लोग हैं, चाहे जहाँ चले जाएंगे बैठक कर लेंगे। अच्छा, पैसा है ही है, पैसे की समस्या है नहीं समाजवादी पार्टी के पास, तो उस पर हमारा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। हम जब उस दल के किसी
विषय को गंभीरता से लेते जब विवेक भाई तीन से चार दल बड़े बड़े दल अगर जुड़ेंगे जी तो आपके समस्या नहीं बनेंगे। ये कैसे मान लिया कि आपके समस्या नहीं बनेंगे? जो भी ये है ममता बनर्जी ने आपको हराया 21 में, ये भी आप स्वीकार करते हैं? देखिए, लेकिन हमने 3 से 73 तक का सफर किया है वहीं की विधानसभा में। एक समय था पश्चिम बंगाल में हम 0 रहते थे, आज हम मुख्य विपक्षी दल हैं जी। आज ममता बनर्जी के लिए बंगाल की विधानसभा में हम ही चुनौती है। अच्छा, और लोकसभा में हमने अच्छा प्रदर्शन किया वहाँ पर। ठीक, अच्छा, लोग जिस दल जहाँ पे गए हैं अखिलेश जी, वहाँ पे जिस वर्ग के मतदाता इनको वोट देते हैं जी, जो इनका वोट अच्छा है, वही उसी में ममता जी भी है। अच्छा, वहाँ पे कांग्रेस और ममता में उसी वर्ग में ही खींचतान है। जो हमारा मतदाता है वो क्लियर है, हमारे किसी हिस्से में इनकी कोई पहुंच या कोई जद्दोजहद है नहीं। अच्छा, तो वहाँ ये जाके बैठक करें, उससे हमारे सेहत पे क्या असर है? 2 सीटों पर अगर ममता इनको लड़ा भी लेंगी पश्चिम बंगाल में, तो उससे हमारे सेहत पे क्या असर होगा? अच्छा, हमारा सिनेरियो क्लियर है वहाँ पर। अच्छा, इसी तरीके से जिन जिन राज्यों का आप नाम ले रहे हैं जी, उन राज्यों में अखिलेश जी की ना तो संगठन की कोई स्थिति, ना अखिलेश जी की कोई स्थिति है। अच्छा, अगर वहाँ कृपा के रूप में कुछ किसी ने दे भी दिया इनको, तो वो परिणाम में क्या तब्दील हो पाएगा? चलिए, और जो परिणाम लेके आएंगे वो परिणाम उन लोगों से इतर थोड़ी होगा। ठीक है, उन्हीं के खेमे के लोग होंगे। ठीक है, बात कर तो हमारा हमारे रिकॉर्ड पे उससे क्या असर पड़ने वाला है? ठीक है, हमारा जो सीट का रिकॉर्ड है, हमारे जो मतदाताओं का जो परसेंटेज है वो क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे हबीब, मैं कुछ बोल रहे थे, आपकी पहले बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बोल रहे थे जी, जहाँ तक जानकारी है कि तमिलनाडु में जमानत जब्त हो जाती है भारतीय जनता जी, और अभी नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट में चुनाव हुए हैं जी, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 ही सीट पाए। अच्छा, और वोट प्रतिशत भी पहले से गिर गया। अच्छा, जबकि जम्बो जेट मंत्रिमंडल केंद्र का वहां जाकर के प्रचार प्रसार किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी जो है भारतीय जनता पार्टी के, शायद उनको जानकारी होगी कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बोल रहा है, अगले जा रहे घर की पार्टी बोल रहा है वो, कि घर की पार्टी कहीं जाए, लंदन में कर ले, दिल्ली में कर ले, बंगाल में कर ले। भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं है। अच्छा, 2014 में लगभग 40 से ज्यादा 50 दलों पर मिलाकर के गठबंधन करके चुनाव लड़े। अच्छा, और आज भी छोटे छोटे दलों के साथ जी भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़के दिखा दे। अच्छा, तो मैं तो समझता हूँ कि 2-4 राज्यों को छोड़ दीजिए, बाकी जहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने अपने बल पर 2022 में फतह की है। अच्छा, जहाँ 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीनने का काम किया। अच्छा, अरे भाभी, अखिलेश यादव जी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने वालों को पहले अपने बारे में देखना चाहिए कि आज देश के सर्व बकौल हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी के कि राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय नेता है, और जम्बो जेट मंत्रिमंडल को ले जाकर के आपके लोकसभा में नागालैंड मेघालय आपके लोकसभा में कितनी सीटें आपको पता है? आपके लोकसभा की हालत क्या है? मेरी सीटें जितनी है हाँ, वो सीटें छोड़ दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जो विश्व में लोग दहाई का आंकड़ा भी नहीं है आपके पास, दहाई का आंकड़ा भी नहीं है। आंकड़े हैं मेरे पास, आंकड़े हैं हाँ, मेरे पास आंकड़े हैं, वो आंकड़े जमीनी है गुंती के। अरे कौन सा जमीनी आंकड़ा वो बता दीजिए, मैं तो सुनने बैठा हूँ यहाँ पर। कितनी सीटें आपके पास पता है? आपको लोकसभा में कितनी सीटें आपके पास? लोकसभा में हमारी 3 सीटें, 3 सीटें हैं। 2 हार चुके हैं आप, 2 आप सीटें हार चुके हैं, रामपुर और आजमगढ़। 3 सीटें महज आपके पास हैं, ठीक है। 3 सीटों के साथ यहाँ पर मेरे ख्याल से पहले तैयारी उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए, पहले तैयारी यहाँ पर 27 चुनाव की होनी चाहिए, पहले तैयारी निकाय चुनाव की होनी चाहिए। तीसरे मोर्चे गठन करने जा रहे हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश में कितनी तैयारी आपकी है, इसको दुरुस्त करना चाहिए, तभी आगे की रणनीति। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही चुनाव लड़ेगी। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी 80 सीटों जी।
फिर वो 55 दलों से क्यों गठबंधन किया? अच्छा, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, हमको किसी न किसी गठबंधन में जाना ही पड़ेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए जो सबसे मजबूत होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके साथ जाए। तो कांग्रेस के बिना ये मुमकिन है क्या? आपको लगता है कांग्रेस के बिना मुमकिन है क्या ये? कांग्रेस अपना काम कर रही है, हमको अपना काम करना है। अच्छा, कांग्रेस को आप हल्की पार्टी मानते हैं मेरे ख्याल से? नहीं, मैंने ये तो कहा नहीं, राजनीति में जो भी है सबका अपना अलग अलग स्थान है। अच्छा, उनकी अपनी विचारधारा है, उनका अपना मूवमेंट है, हमारा अपना मूवमेंट। अच्छा ठीक है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव कुछ बोल रहे थे? देखिए गौरव जी, मैं ये कह रहा था, इन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों का उदाहरण दिया। हाँ, पूर्वोत्तर राज्यों में समाजवादी पार्टी कहीं है क्या? अच्छा, नागालैंड की विधानसभा कांग्रेस शून्य हो गई जी। आज उन तीनों राज्यों में हमारी गठबंधन की सरकारें हैं जी। तो भाभी सीटें बहुत कम है, और व्यवस्थित गठबंधन है वो तो। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन हमारी उपस्थिति है, मजबूत उपस्थिति है। ठीक है, तमिलनाडु को उदाहरण दिया इन्होंने जी। तमिलनाडु समाजवादी पार्टी कहीं है क्या जी? वहाँ तो सारे राष्ट्रीय दल हाशिए पे रहते हैं जी। क्षेत्रीय दलों का वहाँ बोलबाला है दक्षिण भारत में जी। कर्नाटक में हमारी सरकार है जी। तो विषय ये है कि जिन राज्यों को उदाहरण आप दे रहे हैं, उन राज्यों में आप कहाँ हैं? बात समाजवादी पार्टी के कलकत्ता के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिवेशन की हो रही है। तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, आपको क्या दिक्कत है? हमें देखिए, हमने तो पहले ही कहा कि वो कलकत्ता में अटैक करेंगे। आपको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आठ सीटें ले आए, बिहार में ले आए, कलकत्ता में, महाराष्ट्र में लाए। अरे भाई, हम अभी गुजरात में ले आए एक सीटें। हमारी लोकप्रियता, हमारे नेता की लोकप्रियता दिन प्रति बढ़ती जा रही है। कलकत्ता में करें, कहीं करें, हम तो पहले कह रहे हैं कलकत्ता में करें, लंदन में करें, उनका विषय परिवार की पार्टी है। विश्व का नेता बताया वो 60 सीटों पर लड़ते हैं, कोई सीट पाते जी। उनकी उनकी बैठक से हमें क्या वास्ता है? अच्छा, और जितना हमने डेवलपमेंट पूर्वोत्तर राज्यों में किया है, जितना हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर राज्यों की यात्राएं की है, जो वहां का सीनरी को बदला है, आप उस काम को नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। आज देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सर्वाधिक यात्रा पूर्वोत्तर राज्यों की है। अच्छा, और वहां का उसका सीनरी भी बदला है। सीमावर्ती जो हमारे गांव, उनकी दशा दिशा दोनों बदली है। आज हमारा जो बॉर्डर पे स्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, आज हम चाइना के खिलाफ अपने सैनिकों को उतारने में सक्षम है, उनको रसद पहुंचाने में सक्षम है, उनको तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मदद देने में सक्षम है। इसके पहले ये मजबूती थी क्या? अच्छा, आप विपक्ष में है, ठीक है, विपक्ष की बात करिए, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री के कार्य को झुठला नहीं सकते। वो पूरा पूरा देश देख रहा है। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी, आपकी क्या राय है जिस तरह से यहाँ पर बैठक हो रही है, और फिलहाल अखिलेश यादव एक बड़े नेता के रूप में वहां पर अपने आप को दिखाते नजर आ रहा है, और फिलहाल जो मोर्चेबंदी है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि अगर तमाम दल जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं खाका अभी तैयार होगा, और शायद नुकसान भी यहाँ मिल सकता है बीजेपी। गौरव जी जी, जहां तक मेरा मानना है जी कि इन गठबंधनों से जी भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा। कारण है कि भाजपा का जी, भाजपा का वोटर और सपोर्टर जी एकदम ब्लाइंड है, और 24 के चुनाव में आप देख लीजिएगा। अच्छा, कि वो वोट ब्लाइंड नहीं समझे, ब्लाइंड कैसा होता है? एक अंधा अंधविश्वास उसको बोलते हैं कि हम अगर भाजपा में हैं, विश्वास है कि विश्वास है? नहीं, विश्वास है, मतलब आंख मूंछ विश्वास, उसको हिंदी बोलते हैं ब्लाइंड। अच्छा, आंख मूंछ विश्वास है वोटर एकदम। अच्छा, भाजपा का कहीं भी जाने वाला नहीं। दूसरी बार बात की, उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत का जितना युवा वर्ग है वो ये देख रहा है कि हम किसके अधीन, हम हमारा देश सुरक्षित है। अच्छा, दूसरी बात, आपने पिछली बार भी देखा कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, कांग्रेस का गठबंधन हुआ। समाजवादी पार्टी को मेरा मानना है कि कांग्रेस से गठबंधन करने से ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, अगर अखिलेश जी गठबंधन न करते तो शायद उनको ज्यादा सीटें मिलती जी। और तीसरी बात गौरव जी है, जो जी, सबसे विशेष बात है कि अगर गठबंधन बाद जीत भी लोग जाते हैं तो समस्या ये आती, पीएम कौन बनेगा? वहां मुंगेरीलाल सपना देखने वाले तमाम तैयार होते हैं, हम भी, आपने भी देखा होगा। और जब कई दलों की सरकार बनती है, पीएम निकल के आ जाएगा, जब नरसिम्हा राव बने, चंद्रशेखर बने, तमाम लोग बड़े बड़े नाम बने, तो वही बने गौरव जी बने। बिल्कुल सही बात आपकी है, लेकिन दिक्कतें कितनी आई, सरकार कितने दिन चली। देखिए, कोई भी जब गठबंधन की सरकार बनती है तो सरकार सही ढंग से
अपना कार्य नहीं कर पाती है कोई भी गवर्नमेंट हो जी। अगर आपको निर्णय लेना है, पांच लोग सहयोगी आपके हैं गौरव जी, तो आप बिना पांचों से पूछे कोई काम नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन जहां पर हमको ही देश के हित में या जो निर्णय लेना है जी, वो निर्णय हमको लेने में दिक्कत नहीं होगी। आज उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी जो निर्णय ले रहे हैं जी, भले ही विपक्ष नाराज हो रहा हो या कोई नाराज हो रहा, लेकिन उनको किसी चीज भय नहीं है कि सरकार हमारी गिर जाएगी। आपने केंद्र में भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, भाजपा का बसपा भी कंप्रोमाइज देखा आपने जी। कह रहीम कैसे निभाए बेर केर के संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटा दंग। अच्छा। चार दिन साथ में रहे, राखियां भी बांधी गई, उसके बाद दल अलग अलग हो गए। अच्छा। तो ऐसी जहां महत्वाकांक्षा लोगों के राजनीतिक दलों के अपनी आपस में होगी, वो दल बहुत दिन तक साथ नहीं रह सकता है। और रही अखिलेश जी की बात, अखिलेश जी की अपनी सोच है पार्टी के लिए, वो क्या कर रहे हैं, या कोलकाता मीटिंग कर रहे हैं या कहीं और मीटिंग कर रहे हैं, ये उनका सोच है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं आज भी कह रहा हूं, वो छोटा पत्रकार हूं गौरव जी, कि आगामी चुनाव में अगर थोड़ा बहुत प्रतिद्वंदी के रूप में मैं मानता हूं तो अखिलेश को मानता हूं, बाकी कोई दल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का सामना करने की स्थिति में नहीं है। और क्या निकाय चुनाव भी देख लीजिएगा। अच्छा, निकाय के चुनाव में भी देख लीजिएगा, पूर्व चुनाव में भी देख लीजिए, क्योंकि जो दौर इस समय चल रहा है। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, बड़ा प्रतिद्वंदी बीजेपी के लिए? हाँ नहीं, उत्तर प्रदेश में मानता हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा और दल है ही नहीं भाजपा के सामने। अच्छा, जो सामना भाजपा कर सके मेरी समझ से, जहां तक मुझे अनुमान लग रहा है। अच्छा, आप बता दीजिए, बसपा की स्थिति में खड़ी है, कांग्रेस की स्थिति में खड़ी है, अगर थोड़ा बहुत कुछ है भी तो अखिलेश जी के साथ है। और तो मुझे नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश में भाजपा का सामना करने के लिए कोई राजनीतिक दल सामना कर सके। ठीक है, अरे भाभी कुछ बोलना चाहते, बोलिए। मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह से अपरोक्ष रूप से ये ब्रांडिंग है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, क्योंकि रोजगार को ले लीजिए, 100 स्मार्ट सिटी ले लीजिए, काला धन ले लीजिए, महिला सुरक्षा ले लीजिए। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था ले लीजिए। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए। ये सारी व्यवस्थाओं में केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार पूर्णतया फेल हो गई। बजट घट गए, सारे बजट घट गए, धन के शिक्षा के बजट हो, स्वास्थ्य के बजट हो, तो विकास के नाम पर शून्य है। अरे भाभी, महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा ये है, केवल भावनात्मक कुत्तों के सहारे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वोटरों के छल करके साजिश करके चुनाव जीतती है। अच्छा, लोकप्रियता तो अखिलेश यादव जी की पड़ी है। अच्छा, अगर लोकप्रियता अखिलेश यादव जी की नहीं पड़ी होती तो 4700-121 पे ना आए होते जी, और 4700-121 का मतलब है कि हम भारतीय जनता पार्टी का 2024 में रोकेंगे। अच्छा ठीक है, विवेक से जवाब देंगे आपकी बात का। भाई देखिए गौरव जी, ओम प्रकाश राजभर जी तो कहते हैं पूर्वांचल में हमने जिता दिया इनको, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए इनका क्या रिजल्ट रहा। ठीक, बोले भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए गौरव जी, जी जिस तरह से ये बता रहे हैं कि लोकप्रियता बढ़ी है जी, लोकप्रियता बड़ी होती तो रामपुर में भी परिणाम में दिख जाती। अच्छा, आजमगढ़ में दिख जाती, मैनपुरी की जो सीट इन्होंने निकाली वो तो नेताजी के ना रहने पे एक शोक के माहौल में निकल गई। खतौली भी चलिए मान लीजिए निकल गई। अच्छा, मान लीजिए निकल गई, मान लीजिए उसमें दो सीटें हैं। आप मानेंगे, मैं समझूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, जो ये रामपुर हारे, ये रामपुर इनकी बहुत प्रतिष्ठा की सीट थी। अच्छा, रामपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी इसके पहले कभी नहीं जीती थी। अच्छा, लोकसभा भी हम जीत के आए, लोकसभा तो खैर इसके पहले जीत चुके थे जी, लेकिन विधानसभा हम कभी नहीं जीते थे। अच्छा, तो विधानसभा भी हार गए जी, और जिन सीट जो अपनी संख्या बल का दावा करते हैं जी, उसी संख्या बल पे ओम प्रकाश राजभर जी भी दावा करते हैं। अच्छा, कहते हैं वो हमारी वजह से आ गई सीटें। अच्छा, तो ऐसे में ये कहना कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता है या ओम प्रकाश राजभर की, तो ये दो लोग आपस में मिलकर तय कर लें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जी ने लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाई जी, ये देश में पहली, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ जी, और आज योगी आदित्यनाथ जी लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति बन चुके हैं जो इतने दिन से लगातार मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड है अपने आप में जी, कोई दंगा नहीं हुआ, और कोई दंगा नहीं हुआ जी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के समय में प्रदेश में अराजकता व्याप्त रहती थी, गुंडों का शासन चलता था, थाने में दलालियां होती थी, गुंडे वहां बैठ के थाने चलाते थे जी, आज स्थिति ये हो गई है
कि जो संगठित अपराधी गिरोह थे उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, चुन चुन के उनको ठिकाने लगाया जा रहा है जी। तो ये सब सारी चीजें प्रदेश देख रहा है। इसी प्रदेश ने देखा कि अपराधी पहली बार तख्ती लगा करके थाने में सरेंडर कर रहे हैं जी, कि हमारा इनकाउंटर ना हो जाए, हमारे घर बुलडोजर ना चल जाए। अच्छा, तो ये सब डर है यहाँ पर, बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है, अपराधियों में आतंक है जी। तो मेरा इस डिबेट में आखिरी कमेंट आपसे कमेंट लूंगा कि क्या लगता है जो तीसरे मोर्चे की अलग से व्यवस्था बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं विपक्षी अगर एकता यहाँ पर छिन्न भिन्न होगी या दो धरे में होगी तो बीजेपी के लिए यहाँ पर फायदा ही होगा। दूसरी बात, अखिलेश यादव लगातार अपने व्यक्तित्व को, अपनी ऊर्जा को यहाँ पर दिखाते हुए एक नई तरह की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं, ये बीजेपी के लिए कुछ चुनौती बनेगा या नहीं? आखिरी कमेंट। देखिए गौरव जी, बीजेपी विपक्षी से एकता को जो कि छलावा है, अच्छा, उसको समझती है जी, और जनता भी समझती है जी। इस छलावे में जनता आने वाले नहीं है, अच्छा, और हम इनको चुनौती के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। ठीक, देखिए जो ये गठबंधन करेंगे भी इन जगहों पे, जी, वहां ना इनका कोई वजूद है, ना उन दलों का यहाँ कोई वजूद है। अच्छा, तो इस गठबंधन का कहीं कोई परिणाम में नहीं दिखने वाला गठबंधन नहीं है ये। ठीक ठीक, हाँ, ये अच्छे जगह पे मीटिंग कर ले, अच्छे जगह पे घूम टहल ले, ठीक है, चलता है, परिवार परिवारवादी दल है। ठीक है, अरे अरे भाभी, अरे भाभी, आखिरी कमेंट क्या देंगे भाई, तैयारी कैसी है, कुछ परिणाम लाएंगे? बीजेपी बोल रहा है कोई चुनौती नहीं है, जल्दी बोलिए जी। अरे भाभी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है ठीक है, सुनील त्रिपाठी, आखिरी कमेंट आपके द्वारा। गौरव जी जी, कितने महागठबंधन आपने भी देखे होंगे जी, 19-20 तो प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन आगामी 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जी कोई भी गठबंधन भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है, है। और गौरव जी, मैं बस एक सेकंड आपसे और लूंगा कि हमारे विपक्षी दल हमेशा कहते हैं कि लाइन ऑर्डर फेल है, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में 5 सालों में कोई अपहरण हुआ हो बड़ा? हजरतगंज से एक महा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बड़े व्यापारी का अपहरण किया गया जी, अपहरण उद्योग कहीं उत्तर प्रदेश पर फल फूल रहा हो तो बता दीजिए, माफिया गिरोह कहीं कच्चा बनियान कहीं मुनचुआ, आज 5 साल से मैं खुल कह रहा हूँ आपको चैनल पर, बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कहीं अगर सक्रिय हुआ। चुनौती साहब ने, ठीक है ठीक जी, आप सभी मेंबर्स कार्यक्रम में जुड़े, बहुत धन्यवाद। तो चर्चा विषय में पूर्ति, फिलहाल इस चर्चा विषय में क्या होगा, क्या कुछ बेहतर होगा, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अखिलेश यादव किस रूप में नजर आएंगे, और एक नए मोर्चे की शुरुआत वो करने जा रहे हैं कांग्रेस से अलग, उसका क्या परिणाम होगा वो 2024 के इलेक्शन के बाद स्पष्ट हो जाएगा। पर निश्चित रूप से जहां पर ये बात होती है, चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जाता है कि चुनौती हो सकता है, बन सकते हैं। बीजेपी चुनौती मानती है या नहीं मानती है वो अलग बात है, फिलहाल इस चर्चा में महत्वपूर्ण यही सामने आया, और 24 का इलेक्शन के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आपको यहीं से चलते हैं राजधानी लखनऊ के कालविन टोडा कॉलेज में, जहां पर 1450 करोड़ की